चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप दूसरों से ये पांच चीजें लेते हैं तो ये लेने के साथ साथ घर में बर्बादी भी लेकर आती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और खुशियों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। हमारी की गई छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में दुख और वास्तु के अनुसार ध्यान में रखकर किए गए कुछ काम हमारे जीवन में अच्छा समय लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम यहां पर बात करेंगे उन लोगों की जो अक्सर दूसरों से चीजें मांगकर इस्तेमाल करते हैं या फिर उन्हें खुद की चीजें यूज करने के लिए दे देते हैं। साथ ही हम आपको ये बताएंगे ऐसी कुछ खास वस्तुएं कि जिन्हें हमें भूलकर भी ना तो दूसरों से लेना चाहिए और ना ही इन्हें किसी को देना चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज बताते हैं कि पेन यानी कि कलम का लेना। दोस्तों, कोशिश करें कि जब भी किसी काम के लिए बाहर जाएं तो अपना पेन साथ लेकर जाएं। यदि किसी कारणवश आपको पेन मांगना भी पड़ जाए तो काम खत्म होते ही तुरंत जिस व्यक्ति से पेन लिया है उसे वापस कर दें। दोस्तों, पेन लेना या फिर देना गलत बात नहीं है, मगर काम खत्म होने के बाद उसे लौटाना भूल जाना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। दोस्तों, किसी दूसरे व्यक्ति का यूज किया हुआ पेन अपने पास रखने से आपके घर में पैसों की कमी आ सकती है। अगर गलती से पेन आपके पास रह भी गया हो तो उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर किसी गरीब पढ़ने लिखने वाले बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए दे दें। दोस्तों, जो दूसरी चीज बताई गई है वो है रुमाल। कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के रुमाल का इस्तेमाल आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह बनता है। दूसरों का रुमाल या फिर टिश्यू का इस्तेमाल करने से उस इंसान की नकारात्मक शक्ति आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। वास्तु के अनुसार कई बार ये गलती करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, जो तीसरी चीज कहते हैं, कभी भी किसी अन्य व्यक्ति के बिस्तर का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपके जीवन पर बुरे प्रभाव, पैसों की कमी और घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कभी कोई व्यक्ति आपसे बिस्तर मांगने आए तो उसे अपना इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर बिल्कुल भी ना दें और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया हुआ बिस्तर खुद यूज करें। दूसरों के बिस्तर पर सोने से उस व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है। और दोस्तों, कहते हैं कि घड़ी का आदान प्रदान। दोस्तों, हाथ पर बांधने वाली घड़ी आपके अच्छे और बुरे वक्त के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की घड़ी मांगकर हाथ पर बांधते हैं तो हो सकता है उस व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा हो जिससे आप भी प्रभावित हो सकते हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति को अपनी घड़ी पहनने के लिए देते हैं तो हो सकता है आपका वक्त अच्छा चल रहा हो और ये अच्छा वक्त उसके पास चला जाए। तो ऐसे में वास्तु के अनुसार कभी भी किसी की घड़ी ना तो पहने और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी पहनने दें। दोस्तों, कहते हैं कि पैसे का देना। जीवन में खर्चा अपनी जेब के हिसाब से ही करना चाहिए। ऐसा करने से आपको दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी कारणवश पैसे उधार लेने पड़ भी गए हों तो उन्हें जल्द लौटाने की कोशिश करें। दूसरों से पैसे उधार लेकर वापस ना लौटाना आपको जीवन में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। और लास्ट में दोस्तों, जो चीज बताई गई है वो कहते हैं कपड़े का आदान प्रदान। वास्तुशास्त्र के अनुसार दूसरों के कपड़ों का इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति की नकारात्मक शक्ति आपके अंदर बहुत जल्दी प्रवेश करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी खुशी से आपको नए कपड़े दे दें तो आप उन्हें लेने से मना मत करें।
खुशी से दिए हुए कपड़े आपके भाग्य को चार चांद लगाते हैं, लेकिन मांगकर इस्तेमाल किए गए कपड़े वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके लिए अशुभ समाचार का कारण बन सकते हैं। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये थी कुछ चीजें जिन्हें ना तो आपको किसी अन्य व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही कभी उनको देना चाहिए। कुछ वस्तुएं जिन्हें कुछ समय के लिए तो आप दे और ले सकते हैं, मगर हमेशा के लिए उन्हें अपने पास रख कर भूल जाना आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।